आप इस सिक्योरिटी गार्ड से एंट्री लीजिए दुबई के अंदर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आईडी व्लॉग्स। कैसे हो आप सभी, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। मैं आया था दुबई, काफी लोगों की डिमांड थी कि भाई अरकान सिक्योरिटी के बारे में बता दो थोड़ा बहुत। और तो अभी रिसेंटली इंडिया में इंटरव्यू हुए थे और काफी सारे कैंडिडेट इंडिया से इंटरव्यू दे के दुबई में आए थे अरकान सिक्योरिटी में। तो उसी में से एक भाई मिला है हमें, सचिन नाम है। क्या हाल है सचिन भाई? हाँ जी, मैं सब अच्छा हूँ, आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आपने कब इंटरव्यू दिया था इसके अरकान के लिए? मैंने फरवरी में इंटरव्यू दिया था चंडीगढ़ में, तो उसके बाद में मैं मार्च में आया था इधर दुबई। तो दुबई आने के बाद में मैं अरकान सिक्योरिटी में ज्वाइन किया, मेरा सिरा कंप्लीट हो गया था। इंडिया से दुबई की फ्लाइट किस दिन की थी आपकी? मेरी इंडिया से दुबई की फ्लाइट थी 10 तारीख को, 11 तारीख में इधर हम दुबई पहुंचे थे। ओके, तो 11 तारीख के बाद उसके बाद क्या क्या प्रोसेस हुआ था आपका? मतलब यहाँ आते ही साथ कई लोग ये भी सोचते हैं कि भाई जाके वहाँ पे कई दिन तक बिठा देते हैं और फिर मतलब काफी सारे मिसकंसेप्शन हो रहे हैं लोगों को कि भाई आगे जाके प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब आपकी फ्लाइट जब आई थी यहाँ पे तो आगे क्या कुछ आया था, ड्राइवर लेने आया था कंपनी का या क्या कुछ थी बातें? हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जब हम दुबई एयरपोर्ट पे आए थे तो उसके बाद में कंपनी की हमें बस लेने के लिए एयरपोर्ट पे ही पहुंच गई थी बिल्कुल टाइम से, एकदम कोई लेट नहीं थी। और प्रॉपर हमारा उन्होंने बैग लगेज वगैरह सारे बैग्स वगैरह उन्होंने हमारे उठा के रखे, कंपनी के दो एम्प्लॉय भी साथ में थे। तो उसके बाद में हम कैंप में पहुंचे रात को 2 बजे, क्योंकि हम 11 बजे हमारी फ्लाइट लैंड हुई थी दुबई में। तो उसके बाद हम जबल अली कैंप में पहुंचे, तो जबल अली कैंप में पहुंचने के बाद में हमने एक दिन रेस्ट किया, फिर उसके अगले दिन हमारे को मेडिकल के लिए ले जाया गया। मेडिकल नेक्स्ट डे लेके चले गए, नेक्स्ट डे के मेडिकल के लिए हमें लेके चले गए थे। तो मेडिकल कंप्लीट होने के बाद में मेडिकल के नेक्स्ट डे से ही हमारा सीरा की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। तो हमारा 5 दिन सीरा ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद में हमारा रिटर्न टेस्ट हुआ जो कि इंटरनेट पे ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है CBT करके। उसके बाद हमारा फिजिकल हुआ। फिजिकल होने के बाद में जैसे हम ये दोनों टेस्ट का प्रोसेस कंप्लीट करके हम अपने कैंप वापस आए, तो हमारे को नेक्स्ट डे से मतलब 5 दिन तो ट्रेनिंग का और 5 दिन के बाद में जो हमारा टेस्ट और फिजिकल टेस्ट रिटर्न टेस्ट हुआ था, तो उसके बाद में हमारे को नेक्स्ट डे से ही ड्यूटी दे दिया था। क्या तो, बात है। तो उसमें सबसे बड़ी अरकान की ये स्पेशल बात है, ये लोग ना मतलब वेट नहीं कराते हैं, नो वेटिंग है। बाकी जैसे कि आप अभी यहाँ पे जबल अली में रहते हो, काफी और भी कंपनियां जैसे वर्ल्ड सिक्योरिटी हो गया, ट्रांस गार्ड हो गया, या किसी और कंपनी की भी आप इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहो कि अगर सिक्योरिटी गार्ड में अगर वो आना चाहे तो उनको कुछ इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहो तो? बिल्कुल राहुल भाई, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। देखिये, कंपनी कोई भी खराब नहीं है, ठीक है। अगर मैं ट्रांस गार्ड की बात कर लूँ और वर्ल्ड सिक्योरिटी की बात कर लूँ, दोनों अच्छी कंपनी है। ये कंपनी सेमी गवर्नमेंट कंपनी, इनके अंदर टोटली गवर्नमेंट की गाइडलाइन एंड रूल रेगुलेशन फॉलो होता है, सैलरी सब कुछ टाइम से मिलता है। तो इनके पास प्रोजेक्ट है, टेंडर्स है, वो है इमिरेट्स के। इमिरेट्स जो है, इमिरेट्स के अंदर थोड़ा सा इंग्लिश लेवल हमारे को अच्छा चाहिए। इसमें जो EPT टेस्ट होती है राइट, वो यहाँ पे आके भी देना पड़ता है, वो इंडिया में भी होती है। जब इंटरव्यू लिया जाता है, चाहे आप चंडीगढ़ आओ, जलंधर आओ, हिसार, हरियाणा, देहरादून, जम्मू कश्मीर, कहीं भी इंटरव्यू दे रहे हो, तो वहाँ भी आपका ईपीटी टेस्ट लिया जाएगा और उसमें बताया भी जाएगा, और यहाँ आने के बाद भी होता है। देखो मैं कितनी सारी वीडियो बना रखी है भाई, बिल्कुल मतलब सेम टू सेम वैसे इंटरव्यू ना होता तो बताओ, बिल्कुल मैं वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ईपीटी होता है। काफी सारे मतलब मैंने इतनी हेल्प करने की कोशिश कर रखी है कि भाई अगर जो बंदा UAE में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करना चाहता है तो इस तरीके से इंटरव्यू होते हैं इंडिया में, और यहाँ इस तरीके से इतना इजीली आ सकते हो राइट। बिल्कुल राहुल भाई ने बिल्कुल सही बताया, ज्यादातर मैं इनकी ही वीडियो देखता था। कोई मैं ऐसा नहीं कि राहुल भाई के लिए कोई मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने राहुल भाई को बुलाया है क्योंकि मेरी इच्छा थी ताकि मैं यहाँ का अपना खुद एक ऑन ग्राउंड बोलते है ना कि ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, ठीक है। मैंने इनकी काफी वीडियो देखी, ज्यादातर मैंने इनकी वीडियो को देख के ही इंटरव्यू की प्रिपरेशन की थी। इन्होंने आप फ्रेंड्स इनकी वीडियो भी देख सकते हैं, इन्होंने प्रॉपर बताया हुआ है कि बेसिक क्या है सिक्योरिटी के लिए, पहले आप उस पे फोकस करो कौन क्या बोल रहा है। देखो बहुत सारे, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा कि हाँ भाई कौन क्या बोलता क्या नहीं बोलता, लेकिन घबराना नहीं है,
मोटिवेशनल रहना है बिल्कुल, ठीक है। राहुल भाई की काफी वीडियो में इन्होंने पूरा एकदम ऑन ग्राउंड की बातें बताई हुई है, आप आराम से क्रैक कर सकते हो इंटरव्यू को, कोई बड़ा इशू नहीं है। बस थोड़ा सा आप अपनी इंग्लिश पे थोड़ा फोकस कीजिए उसको इम्प्रूव करने के लिए, और कभी भी इंटरव्यू में आप जाए कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आप फेल हो जाते हैं तो अपने आप को और अच्छे से प्रिपेयर करिए। अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो उसमें ये है ना भाई, इंटरव्यू तो देखो आते रहते हैं, ठीक है, इंडिया में सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू आते रहते हैं। अगर आप भी इंटरव्यू में आना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके बातचीत कर सकते हो और पूछ सकते हो कि कौन सा इंटरव्यू कब है। और एक इंटरव्यू में बाय चांस अगर फेल भी हो गए तो इसका, अभी ये देखो भाई था, इसने ट्रांस गार्ड में इंटरव्यू दिया, फेल हो गया, स्पार्क में पास हो गया था पीएसबीडी के लिए, लेकिन भाई का वीजा नहीं आया। उसके बाद इतनी कितने महीनों के बाद आपने रकान का दिया, मतलब काफी लंबा प्रोसेस हो गया था भाई का, थोड़ा इशू हो गया था, बट एट द एंड ऑफ मोमेंट पे आज भाई एक सक्सेस की राह पे है और बहुत तरक्की कर रहे हैं अभी यहाँ पे दुबई में आके, काफी अच्छा माहौल है, कोई इशू तो नहीं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी आपकी ड्यूटी कहाँ वैसे? मेरी ड्यूटी है एक जगह है दुबई के अंदर जेबीआर, जेबीआर में मेरा बीच रेजिडेंसी, बहुत ही वीआईपी लोकेशन है वो। हाँ जी, अल दुबई भी उधर, अल जो दुबई है वो भी उधर है और काफी बीचेस है वहाँ पे, ठीक है। और कोई इसमें सिक्योरिटी में कोई बड़ा इशू नहीं किया, मतलब कोई दिक्कत है, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके आइए, हार्ड वर्किंग करके आइए, ठीक है, बहुत अच्छा है। आप एक ही है कि आप अच्छी प्रोग्रेस करने के लिए सिक्योरिटी लेवल से इधर दुबई में आके एंट्री ले सकते हो, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट बनते हैं, डॉक्यूमेंट आपके पूरे हो गए तो आप नेक्स्ट आगे के लिए भी ट्राई कर सकते हो, बहुत अपॉर्चुनिटी है आने के बाद में। लेकिन नॉर्मल होके आइए, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। और जितना आप अच्छे से फोकस करोगे इंटरव्यू के ऊपर, ठीक है, उतना आपको सक्सेस रेट ज्यादा आएगा। कभी भी इंटरव्यू में इंटरव्यूअर के सामने घबराना नहीं है, उसको जो भी क्वेश्चन पुटअप करते हैं उनसे उनको अच्छे से क्वेश्चन का आंसर करना, अगर नहीं आ रहा है तो बोले कि आई डोंट नो, ठीक है, उसमें घबराना नहीं है। सबसे मेन क्या है इंटरव्यू में फेल होने की, जो सबसे मेन चीज है, खुद मैंने इंटरव्यू फेस किया था, जब मैं फेल हुआ था तो मैं थोड़ा डिमोटिवेट था, नर्वस हो गया था, ठीक है। तो नर्वस होने की वजह भी है कि फेल होना, अगर आप थोड़ा मोटिवेशन में और आपकी इंग्लिश भी गुड नहीं है देन आप फिर भी सिक्योरिटी का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, ठीक है। और ठीक है सचिन भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच इन्फॉर्मेशन ऑफ सिक्योरिटी गार्ड। और अभी भाई दुबई में देख सकते हो यहाँ पे ये है जबेल अली एरिया है और ये द न्यू मेट्रो स्टेशन है, और भाई स्पेशल मिलने के लिए आया और काफी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच सचिन भाई, ऐसे ही मिलते रहेंगे, दुबई में हम रहते तो है ही, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप बता देना, ठीक है। और एक सिक्योरिटी गार्ड का तो एक जरिया हो जाता है कि भाई चलो एक बार हम आ जाते हैं यहाँ पे, उसके बाद तो काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आती रहती है। यहाँ पे आने के बाद आपको एक बार स्किल जो है आपकी वो इम्प्रूव करनी पड़ेगी, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हो और काफी सारी इन्फॉर्मेशन है। मैं एक बात बताना चाहूंगा भी, राहुल भाई ने जो स्किल वाली बात की है, आप इस सिक्योरिटी गार्ड से एंट्री लीजिए दुबई के अंदर, देन आप लाइसेंस बना सकते हैं, आपके अंदर अगर वो चीज करने की कैपेबिलिटी है कि आप, हाँ मैं लाइसेंस ले सकता हूँ, बट इंडिया जैसा यहाँ पे रूल नहीं है, इंडिया का लाइसेंस उतना यहाँ पे वैलिड नहीं है, बट आप अपनी स्किल प्रोग्रेस करने के लिए आप ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, आप हैवी ट्रक ड्राइवर लाइसेंस ले सकते हैं, आप टेक्निकल स्किल में जैसा हैवी इक्विपमेंट जैसा फोर्कलिफ्ट हो गए, लोडर हो गए, इनके भी आप लाइसेंस लेके अच्छे इनकम कर सकते हैं। बट आप जो है अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, आप आगे यहाँ से मूव होना चाहते हैं, तो आपको इधर आके और एक्स्ट्रा स्किल लेके आप आगे बढ़ सकते हो, बट दुबई में आके आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा शांति से वर्क करना पड़ेगा, जितना आप ज्यादा इधर टाइम लगाओगे उतना आप ज्यादा जो है प्रोग्रेस करोगे, अपनी लाइफ में अच्छे से एक अच्छा गोल पाओगे, ठीक है। तो बस सभी फ्रेंड्स को मैं ये कहूँगा कि सिक्योरिटी में आना कोई मुश्किल बात नहीं है, आप थोड़ा मोटिवेशन होके जाइए, राहुल भाई की कुछ वीडियोज है उनको देखिए, इन्होंने बिल्कुल बेसिक बताया हुआ है कि इंटरव्यू को क्रैक कैसे करना है, सारी इनकी वीडियो देखिए एक बार, उनको रिव्यू कीजिए, इन्होंने मैंने देखा है कि इन्होंने एक पूरा एक इंटरव्यू जैसा माहौल बना के भी पूरा उसमें इंटरव्यू के बारे में पूरा एकदम क्वेश्चन आंसर क्या क्या होते हैं वो पूरा इन्होंने बताया हुआ है, वो तो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर वो भी देखना चाहो तो आप देख सकते हो। बाकी अभी भाई से अगली वीडियो में आपको वो चीज मिलेगी, अभी सिरा के बारे में पूछते हैं कि सिरा में कैसे क्लियर करना होता है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, अभी काफी लोग ये भी सवाल पूछते हैं भाई कि वहां जाके मैं सिरा क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, अगर नहीं होगा तो क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं। और कई लोग ये भी सोचते हैं विजिट वीजा पे आगे यहाँ पे सिरा लाइसेंस लेकर फिर अलग अलग कंपनियों में
चक्कर मारते कि हमारा यहाँ के सीरा लाइसेंस ले लो और दुबई में जॉब मिल जाएगी। तो उन सारी बातों पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो लाइक कर लो और सचिन भाई के लिए कमेंट जरूर करना, काफी नाइस बंदा है। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इन फ्यूचर भी अगर कोई भी रिक्वायरमेंट हुई आपकी तो आप बता देना, ठीक है, कॉमेंट कर देना। तो सी इन द नेक्स्ट वन, और चेक करना नेक्स्ट वीडियो जो कि सीरा लाइसेंस के ऊपर होगी, जो कि सचिन भाई अभी बताएगा आपको। ओके, बाय बाय।